ये कल किशनगंज थाना क्षेत्र में, ये तो किशनगंज थाना पुलिस और DST जिला विशेष दल जो टीम है उसकी एक कार्रवाई की गई है। इसमें दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। विनय साहू ये जो गणेश गुआड़ी के निवासी हैं, मकान इनके मकान पर बड़ी मात्रा में जो तंबाकू उत्पाद है वो मिले हैं। ये पुराना इसका होलसेलर रहा हुआ है, तो जब ये लॉकडाउन हुआ था उससे पहले का इसके पास सामान था, उसका लगातार सरकारी जो आदेश है, नियम है इनके, और इसकी तंबाकू उत्पाद की बिक्री बिल्कुल बंद है, सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने गुपचुप अपने तरीके से ये बेचना जारी रखा। इसकी सूचना मिली और सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई की गई तो इसके दौरान लगभग 6,97,000 की नकद राशि जो इसी से बिक्री से इन्होंने इकट्ठा की थी, और इसके अलावा आपके जो गुटखा, जर्दा, सिगरेट, बीड़ी, अलग अलग ब्रांडों के जो बड़ी मात्रा में जो मिले हैं, लगभग 10 लाख के आसपास की अमाउंट का, ये जिनका MRP है वो शायद कितने में बेचता उसकी मर्जी है, और फिर जो खरीदते वो कितना नुकसान उठाते वो उनकी मर्जी है। तो ये एक अच्छी कार्रवाई की गई और इसमें प्रकरण है किशनगंज थाना में दर्ज किया गया है, मुलजिम गिरफ्तार है और बाकी आगे कार्रवाई जारी। सर ये कब से बेच रहा था, लॉकडाउन से पहले से? लॉकडाउन से पहले जैसे बड़ी संख्या में माल रखना भी कहता हूं नहीं है माल, तो ये पहले से अगर बेच रहा था तो इस चीज़ की तो अभी करें कब से बेच रहा है, ये चीज़ ऐसा है कि 6 लाख रुपए कुछ कम इसने बेच के लिए हैं, तो लगभग कुछ टाइम से तो लगा हुआ है ही, कितना और माल भी काफ़ी मात्रा में इसके पास रखा हुआ अपन बरामद किया है, तो इसका मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कितने दिन से और कैसे लगा हुआ है जांच का विषय है, जांच चल रही है, तो कब से और कहां कहां बेचा गया है वो इस चीज़ में आ जाएगा। लॉकडाउन की अवधि में खरीदा है माल या पहले से नहीं? ये जो बताया है अब तक जो बताया गया है, ये जो पहले जब लॉकडाउन हुआ था उससे पहले का ही, क्योंकि ये होलसेलर रहा हुआ है, सामान है उसके गोदाम में या जैसे भी रखा हुआ था वो तब का ही रखा हुआ है, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, बाहर जो डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका नहीं मिला, चीज़ें कई दिनों तक बंद रहीं, और उसके बाद जब जिसको जैसे जैसे मौका मिलता गया ये इस हिसाब से करता गया। वो अभी चल रहा है, ये जांच का विषय है, क्योंकि कल रात की कार्रवाई है। उसके बाद जब सूचना मिली, सूचना धीरे धीरे जैसे आती है, सूचना जैसे मिली है तो कार्रवाई की गई। रिटेलर को तो पहले रिटेलर वाला काम था कि ठीक है भाई, अब है वो किस किस को बेचा है वो जांच हो जाएगी, किसने लिया है, क्या किया है, कहाँ गया है, उसने कहाँ बेचा है, सीधा बेचा है, वो सारी चीज़ें अब जांच के अंदर सारी क्लियर होंगी। इसके साथ और भी मिले हैं साथ में या अकेला ही है सर? वो अभी तो बेचने वाला जैसे था कि मौके पे जो मिला मौके पे, तो यही चीज़ है और कोई साथ में? अभी ऐसी कोई चीज़ आई नहीं। दुकान भी है केवल घर से सारी सप्लाई कर रहे हैं? गोदाम है, गोदाम वही घर ही सारा घर कुछ बना रखा है। आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसने बताने वाला है। अब ये भी हो सकता है कोई भी है, मुखबिर है, जो भी है, सूचना आई जाती है। वो अगर वो उसको फ्री में भी बेच रहा है तो भी अपराध है, वो ज़्यादा करके बेच रहा है तो भी अपराध है। आज के टाइम में लॉकडाउन में जब प्रावधान कर दिया है कि कोई भी तरह की चीज़ें धूम्रपान से संबंधित है, तंबाकू उत्पाद हैं, सरकार ने बैन कर दिया है, तो वो कोई बेचना है वो अपराध है, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। और ज़िले में बाकी कई थानों में ये कार्रवाई हुई है, तो छोटी मोटी तो लगभग होती गई हैं, ये एक बड़ा कार्रवाई मान सकते हैं इसको। राजस्थान की तरफ से भी कार्रवाई मान रहे हैं या? इसका तो हम नहीं कह सकते, वो तो आप बता पाएँ क्योंकि लॉकडाउन में हम तो अजमेर से बाहर निकले नहीं।